हाय मैं हूँ विराज गैला सॉरी बॉलीवुड एक्टर विराज गैला एंड सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कन यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इंटरव्यू बॉलीवुड एक्टर है मैं थोड़ा so, बड़ा हो गया व्हाट <laughs> है 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 वन मिलियन भी मेरे पास किया और भूमि भूमि के तो तुम बॉयफ्रेंड बने हो भाई साहब हाँ <laughs> हा? चुटकी उठकी काटते हो कि भाई भूमि का बॉयफ्रेंड <laughs> बन गया उसकी हाँ मेरे को सब बिल्डिंग वाले सब एरिया वाले से बोलते हैं भूमि का बॉयफ्रेंड है मजा आया <laughs> कुछ नहीं है <laughs> कुछ नहीं है सब नॉर्मल है ऐसा कुछ भी नहीं था बट दोस्त बन गए वो लोग तुम्हारे यस yes. भूमि एंड आई तो ऐसा भाई जैसे बॉडीज एकदम ऐसे कुछ भी होता शी इज द मोस्ट मुँह बोलते बोलते ना उसको जिसको ना सोचती नहीं वो बोल देती है ऐसा कैसा ठंडी लग रहा है मेरे को ऐसा करके बोल देगी वो मतलब भूख लगा है अभी दो मिनट रुक जाओ ऐसा करके बोल देती है एंड सो वी हैड अ सीन जहाँ पे जो मेरे ट्रेलर पे भी है विकी इधर बैठा है बीच में मैं बीच में भूमि एंड ये साइड में तो वो वहाँ पे ना हम लोग को साथ में कोविड भी आया क्योंकि कोविड हो गया था वो टाइम पे तीनों को कोविड तो हम लोग साथ में आया था तो वी वर ऑन कॉल्स के जिसन विकी हैज कोविड आ आई थिंक आई मेरे को दो बार कोविड हो गया को हो call, को मेरे को नहीं अभी <laughs> <laughs> तो वैसा सब है, पास बात है. कियारा, कियारा के साथ नॉट फॉलोइंग मी हम लोग ना एक बार डिनर टेबल पे बैठे थे तो मूवी के बाद ना तो कियारा और कियारा के साथ जाद मेरे ज्यादा सीन्स नहीं बट हम लोग ने मस्ती बहुत किया बीच में जब तीन बार मिले थे तो विक्की बोलता है केरा यू फॉलोइंग दिस नो तो लगे अरे यार अच्छा है तेरा लाइफ बहुत सॉर्टेड है यार विकी तो बोलता है मस्त फॉलो कर इसको यार ये बहुत ऐसा वीडियो डालता है मत ऐसा तो केरा बोलता है कि मेरे को फनी भी नहीं लगता तो बोला अच्छा हिस्सा मतलब एक तो बार ना मैं ऐसा वीडियो बना था फील फनी ये फनी है तभी फॉलो करना तो बीच में दो तीन बार फनी हुआ उसको लगा मैं फॉलो नहीं किया नाउ गर्लफ्रेंड है तुम्हारी मेरी एक गर्लफ्रेंड है कितने टाइम से रिलेशनशिप में हो तीन साल हो जाएगा और ये कैसे हुआ ये नवरात्रि से ओह एस गुजराती एस इट कैन बी सो वी मेट लाइक इन नवरात्रि सिंस टिल लाइक आई नो सात साल पहले सात आठ साल पहले आई मेटर एंड द डे आई सॉर लक यही ये लड़की पसंद है मेरे को पर मेरे मेरे को फटती है इंट्रोट आदमी थोड़ा सा लड़के कैसा बात करने का तो लेट इट बी पर जब भी कुछ ना कुछ एवरी नवरात्रि थोड़े थोड़े साथ में गरबा खेलते थे गरबा में ना एक इट्स लाइक अ डांस डांस ऑफ अट्रैक्शन यू गुड नो पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स क्या भले कैसा भी साइज हो डांस गरबा आएगा ना तो तोड़ डाले तो फिर मैंने एक दो बार यू नो आउट भी किया शी से आई कैप माई पेशेंस एंड ऐसा एंड आई मीन वेल आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू टू थ्री अदर गर्ल्स ऑल्सो ऐसा नहीं था कि मतलब मैं दूध का धूल रहा था आई वॉज टॉकिंग बट बट मुझे पता था कि भी शी इज़ वे आउट ऑफ माई लेग और कुछ नहीं हो पाएगा तो ये सब करते क्या एंड सडनली ट्वेंटीटी को आई जस्ट आस्ट कै कैन वी गो आउट करके बिकॉज शी वॉज आउट ऑफ आर ऑल यर में रिलेशनशिप जो भी था उसका सी तो उसने बोला हाँ तो मैंने ना रिजर्वेशन नहीं करवाया था किधर मैंने कुछ नहीं करवाया था पर मैं उसको बोला था रिसन रिजर्वेशन कर लिया मैंने तेरे तो को आना पड़ेगा बिकॉज मेरे को ना हिस्ट्री पता है कि ना बोलती रहती है हर बार कभी भी टांग देगी नहीं आएगी वो तो बट उसने बोला हाँ टिके टिके तो वी वेंट टू बेरोट ये करके कि आज मेरा बड़ा दिन है मेरे को बेरोट जाने का मैं तो उसने बोला बुकिंग हो गया हाँ बुकिंग हो गया पर बुकिंग नहीं हुआ था तो वहाँ पर जाके ना शी इज़ टॉकिंग टू द रिसेप्शन से विराज के नाम पर बुकिंग है विराज के नाम पर और पीछे से ना मैं मैसे उठ रखी

कुछ समझ में नहीं आ, ते को नहीं, आ आ कुछ नहीं, नहीं आ रहा है ऐसा समझ नहीं आ रहा क्या समझ कुछ नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहा है यार इसको सुनना ही है मतलब मैं उसको बोला 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 कि तो uh, uh, तो उसने क्या? उसने क्या तूने तूने डेढ़ घंटे में ये समझ रही ना तो बराबर से बोल मेरी ना बहुत फटती है इससे बहुत ज्यादा फटती है शी इज़ दैट पर्सन जो मेरे को ना समझाती कि ये गलत कर रहा है और फिर मैं बोलता नहीं नहीं मैं ऐसा ही है मेरे को पता है वे मैं गलत होता है फिर मैं उसको बोलता हूँ सॉरी यहाँ गलत कर रहा था शी हैज ऑल द गुड क्वालिटीज विच आई डोंट है <laughs> 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 तो उसको ना मेरे को हर एक साल के बाद मेरे को समझ में आता रहे हाँ ये तो सही बोल रही थी उसको कई सब मालूम तो शी इज़ लाइकिंग अर आउट शी इज़ लाइक बराबर से बोल देर आउट एंड देन शी सेट ओके आई सेट ओके मैं डेढ़ दो घंटे से इधर मरा रहा हूँ ओके okay, क्या होता है बोलते हैं मेरे को पता था ऐसा होने वाला मैं इसका मैं हो है <laughs> आ, <laughs> मैं रेडी था इसलिए मैं तैयार होकर भी आई है बोला क्या बात कर रही है बोलता हैं हाँ ऐसा फिर है मेरी फट गई बोला अपन ट्राई करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ रिलेशनशिप में चालू हो गया ट्राई करते हैं क्योंकि मुझे लगा कि अगर ना बोलते तो मैंने ट्राई बोल दिया ऐसा बीजू में ट्राई करते देखते कितना चलता है बोलते हाँ ओके ओके ठीक है ठीक है फिर दो दिन हो गया कुछ बात नहीं हो रही ज्यादा इस टॉपिक के लिए बात नहीं हो रही है सेंट अ मैसेज टू मी सेइंग कि आई एम सो हैप्पी दैट आई एम विथ यू ओह oh, बहुत और मुझे लगा अरे डेट करना चालू हो गया मेरा हमें फिर बाकी जो भी दो तीन लड़कियां जो आज मुझे थी मैंने कहा लिसन सॉरी आई एम नॉट ऑफ द मार्केट कांट बी विद यू नानी का क्या सीन है यार नानी <laughs> कैसे आ गई पूरे सीन में नानी शी उसने भी बहुत स्ट्रगल किया है सो so, हम लोगों के लाइफ में ना सारे लेडीज ने स्ट्रगल बहुत किया है बहुत माय नाना पास्ड अवे व्हेन माय मॉम वाज 5 6 इयर्स ओल्ड एंड तब से लेके अब तक शी इज़ डूइंग ट्यूशंस शी इज़ डूइंग ट्यूशंस बिकॉज माई नारा पास डब है और घर पर कोई नहीं था कमाने का मैं तो एटलीस्ट वन बी एच के में रहता था माई मॉम वॉज लिविंग इन बी एक ही रूम वन रूम किचन किचन भी अंदर ही है लिटरली ये देख रहे हो ना कितना दूर है यहाँ से कैमरा बस ये इतना ही कमरा था इतने कमरे में टॉयलेट बाहर जाके करने का पेपर पे, पे। मतलब ऐसा बाथरूम जाना तो बाहर जाके करने का घर पर कुछ नहीं और ये लाइफ स्टाइल मतलब वी हैड वर्ली में प्रॉपर घर दो बी एच के का घर था नाना का पार्टनर ने वाट लगा दी खत्म हो गया सीधा नीचे आ गए मतलब शादी भी किसी और ने करवाया मेरी मम्मी ने मम्मी का मतलब मेरी मॉम शी स्टडीड उन्होंने मेरे मामा को फार्मासिस्ट बनाया पैसे से मतलब किसी का मतलब घर पे सामान कैसे तो पता तो अगर आपका बर्थडे ना तो आपको घर पे क्या बाकी मिक्सर नहीं आया ना फिर बर्थडे पे मिक्सर लेके आएंगे घर पे फिर तेरे घर पे घर पे स्त्री नहीं आएगा तेरे घर पे स्त्री लेके आएंगे तेरे बर्थडे पे मतलब ये सब स्ट्रगल्स देखा हमने इसलिए ना मेरे घर पे फैमिली डरता है कि खुशी आएगी ना तो कैसे कब जाएगी पता नहीं कल चली जाएगी तो जो भी है अभी कर लो फटाफट बचपन में माय नानी वाज वर्किंग टिल शी वाज 80 शी इज़ 83 84 टुडे शी इज़ वर्किंग टिल 80 शी यूज्ड टू गो फ्रॉम बोरिवली टू टाउन और उसको पैसा मिलता था, था सिर्फ पंद्रह सौ रुपये और उसको काम कर उसको आदत हो चुका था उसका एक रूटीन था उसके पास पर शीश टू गो शीश टू वर्क एवरी टाइम देन कम बैक एंड डू हर किचन चोर्स एंड ऑल दिस बिकॉज मेरे को तो मैं था ही नहीं करता कुछ बनाने आता नहीं कुछ करने आता नहीं तो वो सारी जगह देखिए कौन कौन रहता है अभी घर में मी माय मॉम नानी मेरा छोटा भाई बस अभी तो फिलहाल इतना ही है क्योंकि अभी खुद का घर ले लिया है, तो अभी शिफ्ट हो गया पर अब तक मैं रहता था मेरे नानी के घर पर मेरे नानी ने मेरे को मेरी मम्मी को इतना सपोर्ट किया ना कि घर पर मम्मी को नानी को पता है कि पैसा नहीं है बिकॉज मामा आफ्टर पॉइंट स्टार्टेड अर्निंग तो पैसे तो मामा के पास अच्छे खासे मस्त आ गए थे तो मामा ने घर ले लिया तो बोरेली में वही घर पे मैं रहता था अब तक मैं नानी के साथ रहता था तो जब मैंने खुद का घर लिया ना मैं बोला कि नानी तो मेरे साथ ही रहेगी कुछ भी हो जाए तो नानी स्टेज विथ मी नाउ और मेरा छोटे भाई का भी अलग हिस्ट्री है इट माई यंग ब्रदर हैड नो फादर लाइक फिगर बिकॉज माई फादर वैन ही वॉज ग्रोइंग अप वो मेरे पापा अफ्रीका चले गए थे तो उसके पास कुछ था नहीं और उसको बिगाड़ने के लिए कोई पैसे नहीं था कि अरे आज कॉलेज में ही चलेगा चल कि स्कूल में पिकनिक में जा रहे थे तो उसके पास कोई नहीं था कि उसको बिगाड़े ये जाम मस्ती करके तो अभी मैं जितना भी कमाता हूँ ना मैं सिर्फ मेरे भाई के लिए कमाता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई के लिए क्योंकि उसको मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि उसको वो जैसे वो अपने फ्रेंड्स के घर पर पी एस फाई जाएगा पी एस फोर जाएगा तो उसको बहुत मज़ा आता था मैं बोला था जिस दिन मैं इतना पैसा कमा लूँगा ना मैं देखो पी एस गिफ्ट पी एस गिफ्ट करूँगा वो दोपहर को सो रहा था अपने किचन में ही सो रहा था मैं कुछ बाद में रख के रख देती मेरा पी एस आई आ गया वो मेरे को बोलता है ना मेरा भाई मेरे को ये शूज़ चाहिए वो इज़ अ प्रोफेशनल फुटबॉलर वो बोलते मेरे को ये शूज़ चाहिए भले पच्चीस हज़ार के तीस हज़ार के आई वर्क फॉर एड एल गेटेड शूज मेरे को उसको खुश करने का उसको बिगाड़ने का मेरे को मेरे को चाहिए कि वो बिगड़े वो पागल हो जाए कि इतना पैसा है पैसा वो कभी चुड़े ऑल्सो आई विल नॉट पिकअप एनी कॉल बट इफ़ इफ इफी कॉल्स मी राइट नाउ आई विल कट द इंटरव्यू आई पिकअप दिस कॉल बिकॉज उसका लिए मेरे को वो मेरे लिए सब कुछ है वैसा तो बेसिकली तुम एज अ फादर फील करते yes, हो यस आई आई डोंट नो वी आर गुड फ्रेंड्स बट आई एम ऑलवेज ही ही इज इज माय द बेस्ट सन माई एवर हैड मेरा छोटा भाई है वो मेरे को बेटे जैसा रखता है मैं उसको मेरे को वो कुछ भी बोलता है ना मैं उसके लिए बिकॉज क्या मालूम है ही इज आल्सो टेकन दिस अनकन्वेंशनल फील्ड इज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर और इतना स्पोर्ट्स फील्ड में जिसको मैं कर रहा हूँ इतना इज्जत नहीं रहता है क्योंकि आपको लगता है कि कब तक करेगा कब तक पैसे आएंगे कब कब चालू होगा तेरा काम पर मुझे पता है कि मेरे को लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था उतना तो मुझे वो सपोर्ट बनना है उसके लिए भले वो हीज ट्वेंटी फोर ही इज प्लेइंग फॉर रियल कश्मीर एफ सी आई लग खेल रहे रनजी होता है आई लग no. होता है सो so, अभी थोड़ा बहुत गाड़ी ट्रैक पे आ रहा है पर मेरे को चाहिए कि अगर वो बोलेगा विराट भाई दो साल और रुक जाओ मैं करके दिखाऊंगा तो दो दो साल दे दूंगा मैं उसको बिकॉज तो अब तक मैं संभाल पा रहा हूँ फैमिली को जब नहीं संभाल पाऊंगा मैं उसको बोलगा अभी नहीं संभाल समझ पाया जब का दूसरा काम देख ले फटाफट पर अब तक मैं संभाल पा रहा हूँ वो तीन साल बोले चार साल बोले मैं उसको सपोर्ट करता ही रहूँगा आजकल हर इंसान एक इन्फ्लुएंसर बन चुका है भाई जेन्यूनली हाँ। हर इंसान कभी ऐसा हुआ है कि एक होता है ना लग्जरी स्पेस हो या एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो मैं बहुत गलत मानता हूं अप मार्केट कॉन्टेंट बोलते हैं यू नो ये कॉन्टेंट बोलते हैं लोग गोड़े, गोड़े। और और वो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और होटेल्स वाला वीडियोस निकालते हैं उनसे कभी एटीट्यूड मिला है मिला नहीं है कभी बट एक आपको इनसिक्योरिटी होता है एक चीज का कि अरे यार तो ऐसा वैसा ऐसा नाउ आई नो ये सारी चीजें ना लॉन्ग रन के लिए पता नहीं मुझे लगता है काम नहीं करेगी शायद क्योंकि अभी भी फॉर एग्जाम्पल कैन यू लिव इन फाइव स्टार होटल फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ कैन यू लिव अरे एक औकात नहीं है वो अलग बात है but I can't. <laughs> I mean, because, अगर होती भी औकात हाँ, तब भी नहीं हो पाता बिकॉज आई वुड वांट टू कम बैक टू बेसिक्स बेसिक्स एंड आई मैं वीडियोज आर ऑल बेसिक्स सो आई नो कि मेरे को वो सब करना ही नहीं है मेरे को पता है अगर आप एक टाइम क्या होता ना वो मालूम है अलग लाइट में एकदम मेलो बैकग्राउंड होता है अलग चीज़ें होती है सिंपल मतलब हाई फाई लाइटिंग होती है वो सब करती है फिर मैं आफ्टर पॉइंट आपको लगता है भाई घर जाने का अभी मेरे को hmm. तो वो घर मैं हूँ लोगों के लिए मेरे को लगता है कि मैं सिंपल चीज़ें करता हूँ सिंपल कपड़े पहनता हूँ लोगों के लिए दिस थिंग आई हेव लर्न फ्राम यू नो मिस्टर अमिताभ बच्चन परेश रावल जबी एक सुपरस्टार बन चुका था ना अमिताभ बच्चन के टाइम पे, वैन अमिताभ केम, वो लोगों का मसीहा था एंग्री गुस्सा सिस्टम को हिला देगा वो सोसाइटी के जो फीलिंग्स थे वो करते आ, थे सोसाइटी के फीलिंग जब भी वो विलेन को मारते थे ना तो पब्लिक बोलता था मार साले को इसने बिगाड़ा है वो सारे अपने फ्रस्ट्रेशन उसमें दिखता था, था कि यार यहाँ ये उसको मार रहा है मेरे भी बॉस है उसको मेरे को मारने का गुस्सा आ रहा है मेरे को तो आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन आई वॉन्ट टू बी द पीपल्स मैन आई वॉन्ट टू लिव फॉर पीपल जैसे अब लोगों का एक सोशल मीडिया एक स्टेपिंग स्टोन होता है हाँ. यार जैसे जैसे तुमने कहा ये तुम्हारा शोरील बन जाता है और फिर मूवीज आ जाती हैं कहीं ये है कि यार अब मैं कम दिखना चाहूंगा सोशल मीडिया में नहीं नहीं कभी नहीं आई यू टेली वेडो आई एम सो प्राउड ऑफ माई पीपल एंड माई क्राउड जो मैंने बिल्ड किया है मेरे को ना जब मूवी आया था जब मैंने फिल्टर का भी ज्वाइन किया था ना तब मेरे को रोल्स मिलते थे ऐसे गाय टू फ्रेंड थ्री यू नो अच्छा सिड एन विराज बैठे तो एक पासिंग होगा क्योंकि एक पासिंग दिखाना होता है मूवी में पासिंग दिखाना होता है ऐसे वैसे तो पासिंग का रोल मिलता था शोल्डर दिखाने का रोल मिलता था तो मेरे को लगता mm -hmm. था कि मेरे को तो फेमस बनना है लोगों को ऐसे पता चलेगा कि विराज एक्टिंग भी करता है तो मैंने क्या क्या है मेरे जितने माई कॉलेज माकाबो मलाट काली बोली हाँ वो लोग जो लोग थे ना वो लोग मैं बोल दिया मेरे पंटर लोग को सबको कि जिस दिन तुमको मैं दिखूँ कि स्क्रीन पे आया हो वीडियो पे आया हो मेक श्योर यू कमेंट ईयर फॉर विराज ओ माय गॉड विराज क्यूटी विराज ऐसा रैंडमली तो एक वीडियो आया जिसमें मैं ऐसा आ रहा था माय दीज पीपल आर सो फकिंग बाप उन्होंने hmm. बम्बाड़ कर दिया ट्रेलर पे वो वीडियो पे वो ढाई हजार कॉमेंट आया ढाई हजार कॉमेंट जस्ट सेयर फॉर विराज

तो शशांक अच्छा को भूमि को कियारा को सबको किया सब बोल के रखा था जिस दिन ट्रेलर आएगा ना तब आपको देखना कि कितना तेल का मचता है तो उसने बोला ऐसा क्या हो गया अरे मतलब तुम देख लेना खाली क्या हो? जैसे ट्रेलर आया तो मैंने ना सात दिन से कर रहा था बिग अनाउंसमेंट सेंड फाइव डेज टू गो फोर डेज टू गो फिर जैसे ही वन डे टू गो है ना सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुआ लोगों को पता चल गया था कि मैं मूवी में हूँ तो लोगों ने बिना कुछ करे कुछ समझे इफ़ यू गो टू धर्मास इंस्टाग्राम जहाँ पे मेरे पोस्टर्स है आज तक कभी 500 सौ कॉमेंट्स आया नहीं रहेगा जितना मैंने देखा है उस पर छः सौ सात सौ आठ सौ कॉमेंट्स है ईयर फॉर विराज अठारह हज़ार लाइक है वो इंस्टाग्राम के पेज पे ट्रेलर पर जब ट्रेलर यूट्यूब पर लॉन्च हुआ था जहाँ पर भी आप ट्रेलर देखोगे ना यूट्यूब चलो जहाँ पे भी ट्रेलर देखोगे ना ईयर फॉर विराज रहेगा क्योंकि ये लोग ने मेरे लिए किया है सिर्फ ये ये पागल पावर है मेरे पास प्यार का लोग प्यार देते अगर मैं ये चेहरे पर लोग ने सिट के साथ वीडियो किया है एयर फेर डाल दो बम्बाड़ हो जाएगा और मेरे बहुत प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ को लेकर कि अरे यार क्या सही चीज़ है लोग क्या सपोर्ट करते कोई ऐसा सेल्फ उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है इसमें उन लोगों को सिर्फ चाहिए कि विराज को आगे बढ़ाओ बस वो अपना काम कर दे उनको लगता है कि मेरा भाई आगे बढ़ रहा है मेरा भाई आगे बढ़ रहा है सच्ची ऐसा लगता है उन लोगों को

अनुपमा के सामने वैसे प्लानिंग टू मेक अ वीडियो विद अनुपमा रूपाली गांगुली के साथ तो चार्स प्लस ने खुद ने बोला रखा कि चलो वीडियो बनाते नानी के साथ मैं नानी को बोला नानी अपने को सेट पे जाना पड़ेगा गोरेगा फिल्म सिटी में तो नानी बोलती नहीं नहीं उनको बोलो यहाँ आना है तो आए बोला अरे ऐसा नहीं कर सकते जाना पड़ेगा बोला नहीं है इतना दूर कौन जाएगा बोला भाई प्लीज चलो तो नाव शी एंड शी यू नो थिंग इज इन मुंबई वी हैव स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स बट वी वील्सो हैव ट्रेन फ्रेंड्स जो ट्रेन जाते हैं उनके ट्रेन फ्रेंड्स बहुत बिकॉज अलॉट तो वो ट्रेन फ्रेंड्स में ना जब उसको इज्जत मिलता है ना कि अरे नानी आपका वीडियो देखा आपके बेटे के साथ आपका ये किया तो नानी अलग <laughs> फील्ड में चल रही है पागल तो <laughs> <और थे laughs> तो तो हो जाते तो मेरे को आके बोलते डाला था बोलती आजे छे ना मैंने एक छोकरी मरेली बोला नानी छो नानी छो नानी छो ऐसा तो शी शी मेट अ फैन हाउ वॉज इट हाउ डिड ही हाउ डिड शी फील एंड छोटी छोटी नुआंस वो पकड़ते करे उसने मेरे को ये वीडियो याद दिला के बोला था बोलते स्मेल इकेट बना स्मेल इकेट बोलते तो उसको ना एट दिस एज शी हैज़ अ मोटिवेशन टू लिव क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना है मेरे को फेमस बनने के बिकॉज शी यूज टू ऑल्सो डू आर्ट्स एंड यू नो थिएटर्स इन हर स्कूल एंड कॉलेज टाइम बट अब जस्ट बिकॉज ये सिचुएशन प्रॉब्लम बहुत गलत थे टाइम पर तो नहीं कर पाए तो नाव शी हैज़ द मोटिवेशन टू डू इट अगेन एंड लिव दैट लाइफ अगेन तो शी इज़ द मोस्ट हैप्पी टू क्या बात मेरे को ना बर्थडे उसका बर्थडे फिफ्टीन नवंबर को आता है तो शी मी मैं उसको बोलता था कि देखो तो क्या अच्छी बता मैं दूंगा तो मेरे को ना सब पैसा कि बोलती कि डायमंड रिंग चाहिए मेरे को तो बर्थडे पे मैंने उसको डायमंड रिंग दिया था शी वॉन्टेड एंड शी इज़ नेवर लास्ट बिकॉज उनका खुद का कोई है नहीं ना ऐसे मतलब वेट हम लोग हैं फिर ना एक, एक पार्टनर होता है जिससे अपन डिमांड करते चीज़ें करते तो मेरे को, को एक बार बोला था कि मेरे डायमंड रिंग चाहिए ऐसा एंड आई लाइक फक ये उमर में भी, भी आपको चाहिए तो मैं आई विल मेक श्योर दैट यू गेट इट ऑन योर बर्थडे आई गिव हर ऑन द बर्थडे तो वैसा माय गॉड नानी वी लव यू अच्छा सिड केक का अंगार फाइनेस्ट कंटेंट क्रिएटर तुम्हारे हिसाब से इंडिया में कौन है मेरे हिसाब से फाइनेस्ट कंटेंट क्रिएटर आई डोंट थिंक आई वॉच अ लॉड ऑफ कॉन्टेंट इन इंडिया इतना ज़्यादा बट इफ़ यू हैव टू से दरिजनल्स जो थे uh, आशीष भुवन प्राजक्ता तो वो लोग से मैंने चालू किया निक तो वो लोग को दिख देख के चालू किया तो मेरे लिए तभी फिलहाल ये ये लोग ही है पर अभी अभी मैं अगर देख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग हैं ये पूरा ऑरेंज जूस गैंग है mm. जो uh, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये मेरे दो फ्रेंड्स हैं फंचो श्याम बोलो बहुत अच्छा कर रहे हैं एक ऋषभ शुक्ला करके ना दिल्ली का एक कॉन्टेंट क्रिएटर है आप देखना उसको माइंड गया पागल हो जाओ ऋषभ शुक्ला क्या वीडियोज ना दिल से मजा आता है क्या बड़ा है ऐसा क्या सोचा ही इज अ वेरी गुड राइटर और एक डैनी पंडित करके तो ये सारे लोग हैं जो मेरे को पसंद है जो मैं देखता हूँ और मैं बेंच करता हूँ किसको स्टॉक करते हो तुम सोशल मीडिया पे मैं जनरली बताऊँ मैं खाने को स्टॉक करता हूँ मेरे मेरे लड्डू मेरे पास सारे खाने के पेजेस है हाँ। खाने की history, के पेजेस एंड आई वांट टू लर्न अबाउट हिस्ट्री आई वांट टू लर्न अबाउट फूड हिस्ट्री कि खाना क्यों आया जैसे आपको पता है जलेबी इज द ओनली फूड यू ईट विद डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट स्टेट्स लाइक जलेबी घाटिया खाते गुजरात में पोहा जलेबी खाते इंदौर में फिर रबड़ी जलेबी खाते पंजाब में तो इतनी सारी चीज़ें जलेबी के साथ खाते हैं

अपने कंटेंट क्रिएशन में कुछ नहीं कुछ क्या ज़िंदगी में नथिंग बिकॉज आई बिलीव वॉट एवर यू डन इन योर पास्ट हैज़ कम यू गॉट इट इन टूडे मतलब एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगता है कि अरे ये तो नहीं होनी चाहिए लाइफ में वो सारी चीज़ें एडअप होती हैं आज के पे तो मेरे को लगता है कि जो भी हो रहा है ना अच्छा ही है जैसे पापा का मैंने आपको बताया अगर पापा बहुत अच्छा होता लाइफ हमें बहुत अच्छा घर होता अच्छी चीज़ें होती तो शायद मैं इतना पावरफुल स्ट्रगल जो मैं कर रहा हूँ इतना कुछ कर रहा हूँ मैं नहीं करता क्योंकि मैं लगता है कि सब कुछ हो रहा है ना धीरे धीरे इफ आई इफ आई एम अर्निंग हंड्रेड टू आई वुड अर्न फिफ्टी टूडे फिर मुझे पता है घर पे पैसा है अभी नहीं आना तो मेरे को करना पड़ रहा तो वॉट एवर हैपन्स इट हैपन्स कि कहीं ना कहीं एडअप हो जाता है आपको लाइफ में तो मैं तो बहुत खुश है जो भी हो रहा है कुछ चेंज भी नहीं करना है मेरे को लाइफ में